हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? सुख समृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु के अनुसार घड़ी को और कैलेंडर को किस दिशा में भूल से भी न लगाएं, इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। घड़ी और कैलेंडर को लगाने की सही दिशा कौन सी है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न हो। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर हर वस्तु में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान और सही दिशा में ना रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर वस्तु ऊर्जा तिरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय हर किसी के जीवन में आते रहते हैं। हर समय चक्कर का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? तो जी हाँ, आज हम घरों में लगी घड़ी जिसको हम रोज निहारते हैं और कभी यह नहीं सोचा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर बुरा और अच्छा प्रभाव डालती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह में लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, आज यह भी मैं आपको बताऊंगी। घड़ी के प्रकार। वास्तु के अनुसार अगर घड़ी गोल या अंडाकार की है तो सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि मार्केट में बहुत सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य हैं या भगवान की फोटो भी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ भी नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारे पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और नया रखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को स्वारते रहते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। कई लोगों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को ठीक करवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। घर में पुरानी और टूटी हुई धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी बिल्कुल भी न रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यम लोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्कर यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी न लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है।
घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है और कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तर दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय की सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी भी पीछे समय के अनुसार न रखें। इसे हमेशा 5 या 10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का कालचक्कर व दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। एक मैं आपको और छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देगा। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में न लगाएं और ना ही मुख्य द्वार पर टांगें। यह शुभ माना नहीं जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो इसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। तो दोस्तों, यह थी घड़ी और कैलेंडर से जुड़ी कुछ वास्तु टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है वास्तु के अनुसार घड़ी और कैलेंडर को किस दिशा में लगाना चाहिए। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।